Hello viewers, welcome to my English Winglish YouTube channel. So students, how are you all? I hope you all are good. Students, today we will see the new Incense English Reader Book, Class 3, Chapter Number 2. Dear students, in this chapter we will see the story of an old woman. So let's see the story, read and enjoy. Let's read the story of a kind old woman who wisely asked God to grant her all wishes. तो dear students, read and enjoy section में यहाँ क्या दिया गया है कि इस story में क्या है, एक old woman का क्या है, एक story है, कहानी है, जिसमें old woman अपना जो devotion है, अपना भक्ति है और लोगों के प्रति जो दया भाव है, लोगों के प्रति जो अच्छी सोच है, उसको वह God के सामने हमेशा प्रेयर करती है और वो लोगों के बारे में, उनके भलाई के बारे में प्रेयर करती है और उनसे हमेशा दूसरों के भलाई में वो उनका अच्छा ही चाहती है। तो ये स्टोरी हम लोग उसी से रिलेटेड देखेंगे। तो देखते हैं, आइए कि अगले जो क्या है, नेक्स्ट लाइन, लॉन्ग अगो। लॉन्ग अगो दैट मीन्स बहुत समय पहले की बात है। देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमेन, देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमेन दैट मीन्स बहुत समय पहले की बात है, एक क्या था, ओल्ड वुमेन रहती थी, हु वाज ब्लाइंड। हु वाज ब्लाइंड, ब्लाइंड मींस क्या होता है, अंधा। ब्लाइंड मींस अंधा। तो जो ओल्ड वुमेन थी वो कैसी थी, वो आंख से अंधी थी। शी वाज काइंड हार्टेड, और वो कैसी थी, वो बहुत ही दयालु थी, उसका जो हृदय था, दिल था, बहुत ही दयावान था। शी हेल्प द विलेजर्स इन वॉट एवर वे शी कुड, और वो हमेशा क्या करती थी, विलेजर्स को, अपने गांव वालों को क्या करती थी, वो हमेशा मदद करती थी, जहां तक उससे हो सके वो हमेशा मदद करने का कोशिश करती थी। शी लिव्ड विथ हर सन एंड डॉटर इन लॉ इन अ हट, और वो अपना जो सन इन लॉ है, सन एंड डॉटर इन लॉ, सन उसका बेटा है और डॉटर इन लॉ उनकी बहू है, जैसे कि उनका जो बेटा है उनका शादी हो चुका था, तो उनकी जो उनका बेटा का वाइफ था वो कौन है, डॉटर इन लॉ मीन्स बहू, उस ओल्ड वुमेन की क्या वो होगी, बहू। तो वो तीनों कहाँ रहते थे, एक हट में रहते थे, हट मीन्स झोपड़ी में वो रहते थे। दे वेर वेरी पुअर, और वे कैसे थे, उनका जो फैमिली कंडीशन था काफी खराब था, मीन्स वो गरीब थे। द ओल्ड वुमेन ऑफन प्रेड टू गॉड एंड आस्क्ड फॉर हिज ब्लेसिंग्स फॉर एवरी क्रिएचर इन द वर्ल्ड, और ये जो ओल्ड वुमेन थी वो हमेशा मीन्स वो जब भी प्रे करती थी तो वो क्या करती थी, वो गॉड से यही आशीर्वाद मांगती थी, यही वो प्रार्थना करती थी कि इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में जितने भी क्रिएचर्स हैं, मीन्स जितने भी जीवित प्राणी हैं, वो सभी कैसे रहे, वो सुखी रहे, खुश से रहे, वो भला चंगा रहे। आगे क्या बोला जा रहा है, ओल्ड वुमेन यहाँ क्या बोल रही है, God let everyone live in peace and shower your blessings on every creature of the world. तो old woman God से pray कर रही है कि भगवान आप इस world में, इस दुनिया में जितने भी क्या है creatures, means जितने भी जीवित प्राणी हैं, उनको आप अपना आशीर्वाद दीजिए और उनको हमेशा क्या रखिए, सुखी से रखिए, शांति से रखिए। God is pleased and appears in front of her. और उसका जो प्रेयर था ओल्ड वुमेन का, उसका प्रेयर सुन करके जो गॉड था वो काफी खुश हो जाता है और उनके सामने अपीयर हो जाता है, दैट मींस प्रकट हो जाते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट लाइन हम लोग देखेंगे, गॉड क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ओल्ड वुमेन आई एम वेरी प्लीज्ड विथ यू। तो गॉड उसके सामने अपीयर हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं और ओल्ड वुमेन से क्या बोल रहे हैं, आई एम वेरी प्लीज्ड, यहाँ प्लीज्ड मीन्स क्या होता है, खुश होना, प्रसन्न होना। तो गॉड उस ओल्ड वुमेन से उसका जो डिवोशन था, उसका जो सादगी था, उसका जो दूसरों के प्रति सोच था वो बहुत अच्छा था और वो हमेशा दूसरों के भलाई में उनके बारे में सोचती थी, इसलिए गॉड उनसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। यू आर काइंड टू योर फेलो बींग्स एंड यू वर्शिप मी विथ ग्रेट डिवोशन। तो गॉड उस ओल्ड वुमेन से क्या बोल रहा है कि तुमने
जो अपना गांव वाले हैं, अपने जो फेलोस हैं, अपने जो पड़ोसी हैं, उनके लिए हमेशा आपने क्या किया है, उनका जो सुख और उनका शांति के लिए प्रे किया है, उनके हमेशा आपने भलाई ही चाहा है। और उससे मैं क्या हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया हूँ। अपने अपना जो डिवोशन है, डिवोशन मीन्स उसका जो धार्मिक का गुण था, मीन्स वो बहुत धार्मिक थी, वो हमेशा गॉड से पूजा पाठ करती थी और वो दूसरों के भलाई के लिए गॉड से क्या करती थी, वो विश मांगती थी, प्रेयर करती थी। आई ग्रांट यू वन विश, तो गॉड प्रश्न होकर के उस ओल्ड वुमेन से क्या बोला कि आई ग्रांट यू वन विश, तो खुश होकर के गॉड बोलते हैं कि तुम एक विश मांगो और मैं उस विश को पूरा करूंगा। तो मांगो जो भी, एनीथिंग यू आस्क मी फॉर एनीथिंग दैट यू नीड। तो गॉड ओल्ड वुमेन से क्या बोल रहा है कि तुम कुछ भी मुझसे मांग सकती हो जो तुम्हें जरूरत है। अब नेक्स्ट लाइन में ओल्ड वुमेन क्या बोल रही है, गॉड आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर ऑल दैट यू हैव गिव मी। तो गॉड ओल्ड वुमेन गॉड से क्या बोल रही है कि मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि आपने हमें सारा चीज दिया है जो मुझे जरूरत है। आई डोंट नो वट आई शुड आस्क फॉर, मुझे नहीं पता कि मैं आपसे क्या मांगू। आई हैव ऑल दैट हैव आई वॉन्ट। तो ओल्ड वुमेन बोल रही गॉड से कि मेरे पास वो सभी कुछ है जो मुझे चाहिए। तो नेक्स्ट में गॉड क्या बोल रहे हैं, देन टॉक टू योर सन एंड योर डॉटर इन लॉ। तो गॉड ओल्ड वुमेन से बोल रहे हैं कि तब तुम अपना जो सन है, अपना जो बेटा है और अपना डॉटर इन लॉ है, जो अपनी बहू है, उससे तुम क्या करो, पूछो। वो आपको क्या करेंगे, दे विल हेल्प यू टू डिसाइड व्हाट टू आस्क फॉर। वो आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, मदद करेंगे कि आपको आखिर विश में क्या मांगना है। अब नेक्स्ट लाइन क्या बोला जा रहा है, द ओल्ड वुमेन स्पोक टू हर सन एंड डॉटर इन लॉ। तो ओल्ड वुमेन वो अपना सन और डॉटर इन लॉ से क्या कर रही है, बातचीत करती है और पूछती है कि मुझे गॉड ने इस प्रकार का वरदान मांगने के लिए कहा है, तो मैं गॉड से क्या मांगू। तो ओल्ड वुमेन क्या बोल रही है, सन गॉड हैज ग्रांटेड मी अ विश, व्हाट शुड आई आस्क फॉर। तो वो अपना सन और डॉटर इन लॉ से पता बोलती है कि गॉड ने मुझे विश ग्रांट करने के लिए बोले हैं और मुझे कहा गया है कि मैं आप दोनों से, मीन्स सन एंड डॉटर इन लॉ से पूछ करके मैं गॉड से क्या करूं, विश को मांगू। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ तक सभी कोई समझ गए होंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और जितने भी अपने फ्रेंड सर्कल में हैं आप उन तक वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं, तो उनका भी हेल्प हो जाए। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट स्लाइड। हियर इन दिस लैंड सन इज टॉकिंग, व्हाट ही इज सेइंग, मदर आस्क फॉर रिचेस एंड वेल्थ। हियर सन इज सेइंग टू हिज मदर दैट आस्क, मॉम आस्क टू द गॉड फॉर आवर रिचनेस एंड वेल्थ। तो सन क्या बोल रहे हैं अपना मम्मी से कि आप गॉड से क्या कीजिए, हमारा जो धन है उसको मांगिए और फिर हमारा जो गरीबी है वो दूर हो जाए और हम अमीर हो जाए, उस विश को मांगिए आप गॉड से। नेक्स्ट लाइन में ओल्ड वुमेन क्या बोल रही है टू द डॉटर इन लॉ, अपना जो बहू से ओल्ड वुमेन बोल रही है, ओके नाउ यू टेल मी व्हाट शुड आई आस्क फॉर। तो ओल्ड वुमेन अपना बहू से बोल रही है कि ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि मैं गॉड से क्या मांगू। डॉटर इन लॉ क्या बोल रही हैं, मदर आस्क फॉर आ ग्रैंड सन। तो डॉटर इन लॉ अपना जो मॉम है उससे क्या बोल रहे हैं कि मदर यू आस्क आ ग्रैंड सन। तो डॉटर इन लॉ बोल रहे कि मम्मी आप एक ग्रैंड सन में से एक पोता को विश में मांगिए गॉड से। अब नेक्स्ट लाइन में ओल्ड वुमेन क्या इसमें रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ओल्ड वुमेन यहाँ पर क्या बोलते हैं,
वुमेन यहाँ बोल रहे हैं फाइन नाउ लेट मी थिंक यू हैव टोल्ड मी व्हाट इज ऑफ यू वांट्स। तो ओल्ड वुमेन यहाँ पर बोले कि ठीक है अब मुझे सोचने दीजिए कि जो तुमने बताया है वो मैं मांगू या नहीं मांगू। बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू टॉक टू माई बेस्ट फ्रेंड आवर नेबर्स एंड टेक हर एडवाइस। तो ओल्ड वुमेन अपने बहू से बोल रहे कि लेकिन आपने जो मुझे विश करने ग्रैंड सन मांगने बोला है वो तो ठीक है लेकिन मुझे अपना जो फ्रेंड है साथ ही साथ जो नेबर्स है अपना जो पड़ोसी है और जो विलेजर्स है उसको भी मुझे जा करके पूछना होगा एडवाइस उससे भी मांगना होगा। द ओल्ड वुमेन पेज अ विजिट टू हर नेबर्स हाउस। और ओल्ड वुमेन क्या करती है वो अपना नेबर्स के घर में विजिट करने जाती है उनसे मिलने जाती है। ओल्ड वुमेन टू द नेबर ओल्ड वुमेन नेबर अपना पड़ोसी के पास जाकर के क्या बोल रही है गॉड हैज ग्रांटेड मी अ विश। तो नेबर से बोले कि गॉड ने मुझे क्या किया है विश मांगने के लिए कहा है और मेरा जो विश है उनको वो पूरा करेंगे। व्हाट डू यू थिंक आई शुड आस्क फॉर। तो वो अपने नेबर से क्या बोल रहे हैं कि आपको क्या लगता है मैं गॉड से क्या मांगूं। माय सन टोल्ड मी टू आस्क फॉर वेल्थ एंड माय डॉटर इन लॉ वांट्स मी टू आस्क फॉर अ ग्रैंडसन। तो जो ओल्ड वुमेन है वो अपना जो नेबर से उनसे क्या बोल रहे हैं कि मेरा जो बेटा है मेरा जो सन है वो क्या वेल्थ के लिए मीन्स धन के लिए वो मुझे गॉड से विश मांगने बोला है और मेरी जो डॉटर इन लॉ है मीन्स मेरी जो बहू है वो क्या बोली है कि मैं गॉड से क्या मांगू एक ग्रैंडसन मांगू मीन्स मैं एक पोता मांगू गॉड से। अब नेवर आगे उसका जो नेवरहुड है वो क्या बोल रहे हैं नेवर वेल आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड आस्क फॉर योर साइट सो दैट यू कैन सी ऑल द वंडरफुल थिंग्स अराउंड यू एंड बी हैप्पी फॉर द रेस्ट और योर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो नेवर क्या बोल के वेल यू वुड सजेस्ट दैट यू शुड आस्क फॉर योर साइट। तो बोले कि बहुत अच्छा है जैसे कि तुमने तुम्हारे जो बहू है और तो तुम्हारे बेटे हैं उसने जो सजेस्ट किया है आपको वो आप गॉड से मांगिए और इससे क्या होगा जब तुम्हारे घर में जब ओल्ड वुमेन के घर में वो जो पोता आ जाएगा वो ग्रैंडसन आ जाएगा तो चारों तरफ क्या खुशहाली ही खुशहाली हो जाएगी और आपका जो लाइफ होगा वो बहुत ही खुशी खुशी कटेगा। आई डोंट थिंक यू शुड आस्क फॉर वेल्थ और अ ग्रैंडसन। तो जो नेवर बोल रहे हैं कि मुझे ये नहीं लगता है कि आपको क्या करना चाहिए धन और ग्रैंडसन गॉड से विश के रूप में मांगना चाहिए। तो ये कौन ओल्ड वुमेन को विश क्या कर रहे हैं एडवाइस दे रहे हैं उनके जो नेबर हैं जो पड़ोसी हैं वो उनको इस प्रकार का क्या कर रहे हैं एडवाइस। नाउ व्हाट ओल्ड वुमेन इज सेइंग यू आर राइट। अब ओल्ड वुमेन क्या बोल रहे हैं अपने नेबर से कि तुम सही हो बट लेट मी थिंक अबाउट इट। बोले कि लेकिन मुझे थोड़ा सोचने दीजिए एनीवे थैंक्स फॉर द सजेशन। और वो अपना नेबर से उसको क्या करती है उसका एडवाइस के लिए उसके सजेशन के लिए उसको थैंक्स बोलती है। द ओल्ड वुमेन थॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड मेड अप हर माइंड द नेक्स्ट डे। और जो ओल्ड वुमेन है वो बहुत देर समय तक क्या करता है काफ़ी लंबा समय तक वो क्या करता है वो उसके बारे में सोचता है। और अगला दिन क्या होता है गॉड यहाँ पर क्या बोल रहे हैं आई एम श्योर दैट यू हैव डिसाइडेड व्हाट टू आस्क फॉर टेल मी व्हाट यू वांट। तो अगला दिन क्या हो रहा है अगला दिन वो ओल्ड वुमेन है वो क्या करती है गॉड के पास जाती है और वो गॉड क्या बोल रहे हैं आई एम श्योर दैट यू हैव डिसाइडेड व्हाट टू आस्क फॉर। तो गॉड ओल्ड वुमेन से बोल रहे हैं कि मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुमने क्या किया है जो अपना विश है वो उसको डिसाइड कर लिया है कि आपको मुझसे क्या विश मांगना है टेल मी व्हाट यू वांट। और ओल्ड वुमेन से जो गॉड है वो क्या बोल रहे हैं कि बताओ तुम क्या चाहती हो तुम कौन सा विश मांगना चाहती हो अपना विश को मेरे पास बताओ। ओल्ड वुमेन आगे क्या बोलती है
God, please bless me that I can see my grandson drinking milk from a silver bowl. तो यहाँ गॉड क्या बोल ओल्ड वुमेन गॉड से क्या बोल रहे हैं कि प्लीज ब्लेस मी दैट आई कैन सी माई ग्रैंड सन ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ सिल्वर बॉल. तो ओल्ड वुमेन गॉड से बोल रहे हैं कि आप मुझे ऐसे कृपा दीजिए, ऐसे आशीर्वाद दीजिए जिससे कि मैं क्या कर सकूँ, अपना जो ग्रैंड सन है उसको क्या एक सिल्वर बॉल में, मीन्स एक सिल्वर का कटोरा में उसको दूध पीते हुए देख पाऊँ, या फिर उसको आप मुझे ऐसा ग्रैंडसन दीजिए जो कि एक सिल्वर बॉल में, एक सिल्वर का कटोरा, मीन्स सिल्वर मीन्स एक कैसे है, बहुत ही कैसा है वो महंगा कटोरा है, वो उसमें क्या मिल्क को ड्रिंक करते हुए आप मुझे क्या दीजिए, एक ग्रैंडसन दीजिए, पोता दीजिए. आगे गॉड क्या बोल रहे हैं, गॉड स्माइल्ड. गॉड मुस्कुराते हुए क्या कह रहे हैं, यू हैव ट्रीट मी टुडे. वो मुस्कुराते हुए ओल्ड वुमेन से बोले कि तुमने आज मुझे बहुत ही चतुराई से अपना जो विश है वो मांगे हैं. जो ओल्ड वुमेन थी वो बहुत ही चतुराई से अपना विश को मांगी है, और वो गॉड से बोलती है कि मुझे ऐसा पोता चाहिए जो कि एक सिल्वर बॉल में दूध पीते हुए मुझे दिखना चाहिए, या फिर मुझे आप दूध में क्या है सिल्वर बॉल में दूध पीते हुए एक पोता को दीजिए. तो गॉड उस ओल्ड वुमेन का जो ट्रिक था, जो उसका चतुराई था, उसको समझ जाते हैं और मुस्कुराते हुए बोल रहे कि तुमने अपना चतुराई से मुझे क्या है ग्रैंडसन के साथ साथ तुमने धन भी मुझसे मांग ली है. बट यू विल हैव ऑल दैट यू हैव आस्क्ड फॉर, आफ्टर ऑल इट वॉज माई प्रोमिस. और गॉड मुस्कुराते हुए उससे बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं है, तुमको जो तुम्हारा विश है वो सारा विश अब तुमको क्या मिल जाएगा. इट वॉज माई प्रोमिस, क्योंकि मैंने तुमसे पहले प्रोमिस किया था कि तुम्हारा जो भी इच्छा है वो अपना इच्छा मुझे बताओ और मैं तुम्हारा सारा विश को क्या करूँगा, पूरा करूँगा. तो ठीक वैसे ही होता है जिस प्रकार से ओल्ड वुमेन ने उस गॉड से अपना विश मांगा और गॉड ने उनका जो विश है वो पूरा करते हैं. आई ऑलवेज रिवॉर्ड दोज हु डू गुड डीड्स. तो गॉड बोल रहे हैं कि मैं ऑलवेज रिवॉर्ड करता हूँ जो अच्छे चीज करते हैं, या फिर जो अच्छी चीज़ों को करते हैं, जो अच्छे काम करते हैं उनको मैं हमेशा क्या करता हूँ, रिवॉर्ड करता हूँ, उसे मैं कुछ उपहार देता हूँ, या फिर उनको मैं कुछ ना कुछ जो विशेष है उनका विश को क्या करता हूँ, पूरा करता हूँ. ओल्ड वुमेन थैंक यू गॉड. अब ओल्ड वुमेन बहुत ही खुश होते हुए गॉड का क्या करती है, शुक्रिया अदा करती है, उनको थैंक्स बोलती हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, ऑन दिस वे आवर चैप्टर इज ओवर. सो हाउ डिड यू फील, इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड द स्टोरी, इफ यू हैव एनी डॉट, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द स्टोरी, रिलेटेड टू द वर्ड्स मीनिंग, रिलेटेड टू द एनी लाइन ऑफ द सेंटेंस, सो प्लीज लेट मी नो एंड प्लीज गो टू द कमेंट सेक्शन एंड राइट योर प्रॉब्लम्स, राइट योर डॉट, राइट योर कन्फ्यूजन. तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर था, इस प्रकार से हमारा चैप्टर यहीं पर अंत होता है. तो आप लोगों को ये जो चैप्टर है कैसे लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर अपना जो अनुभव है उसको जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मुझे ये भी बताइए कि अगर आप लोगों को जो वीडियो है अच्छी लग रही हो तो आप अपना जो वीडियो है वो जरूर से जरूर लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड से उनको भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके कुछ नॉलेज उनको मिल सके और उनका जो मदद हो सके, ताकि हमारा जो बुक्स है वो सारे बच्चे इस वीडियो को देख करके अच्छे से स्टोरी को पढ़ सके और समझ सके. सो फॉर टुडे वी विल स्टॉप द वीडियो हियर. थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे.